हिंदू धर्म में बेहद खास माने जाने वाले त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। देखिए, आज के दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और आज प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ साथ माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। तो 9 दिनों तक चलने वाली इस नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से हिंदू धर्म में मनाया जाता है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना होती है। इसका पहला दिन आज है और माँ शैलपुत्री को यह समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता शैलपुत्री आखिर कौन थी और पहले ही दिन उनकी पूजा आखिर क्यों की जाती है? अगर आप नहीं जानते तो इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं। आप अंत तक जरूर बने रहे। देखिए, माँ शैलपुत्री किसका स्वरूप थी पहले ये जानकारी हम आपको दे दें। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वो माता पार्वती का स्वरूप है। इनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, जिसकी वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माना जाता है कि देवी पार्वती ने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था और जब उन्हें अपने उस रूप का त्याग किया उसके बाद उन्हें पर्वतराज हिमालय के घर पुनः जन्म लेना पड़ा। अब भगवान भोलेनाथ से भी माता शैलपुत्री का नाता है, क्या है ये भी जान लीजिए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी पार्वती ने पूर्व जन्म में पति भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके बाद उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने एक बार फिर से पार्वती माता को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद दोनों कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन हर साल माता पार्वती नवरात्रि के मौके पर अपने मायके यानी कि पृथ्वी लोक आती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब नवरात्रि के पहले दिन की बात की जाए तो आखिर माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों होती है ये जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज ने अपनी पुत्री यानी माता शैलपुत्री का स्वागत पृथ्वी लोक पर किया था। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माता की पूजा करने से पहले घर के पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर ले और गंगाजल से स्थान को स्वच्छ कर ले। नवरात्र की विधिवत पूजा की जाती है। सबसे पहले आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता शैलपुत्री की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए कलश आप स्थापित करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ऐसे ही माता का ध्यान नवरात्रि के 9 दिन करिए, आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसके बाद हम आपको बता दें कि धूप दीप जलाकर माता को सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। माता शैलपुत्री को सफेद रंग बेहद पसंद है। और एक मंत्र के बारे में भी हम आपको बता दें, अगर आप माता को जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इसके बाद माँ को सफेद खाद्य पदार्थ यानी कि भोग के प्रसाद आप जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद दुर्गा सप्तसती का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही माता के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे वो मंत्र जाप से भी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा घर में सुख समृद्धि के लिए की जाती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा होता है या विवाह में परेशानियां आ रही होती हैं, उन्हें भी शैलपुत्री माता की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होता है। माता की पूजा से ग्रह कलेश भी दूर होते हैं और इसके साथ ही आरोग्य का वरदान भी माता आपको जरूर देती है। धन यश की कामना रखने वालों को भी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आज माता शैलपुत्री यानी कि दुर्गा माँ के पहले स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो दर्श न्यूज़ के तमाम दर्शकों को माता शैलपुत्री यानी कि नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।